गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर, बेटा चैप्टर नंबर हम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 14 पे आ जाइए आप, चैप्टर नंबर सेकंड, ये हम 14 पे आ गए, ठीक है ना। इसमें ये चैप्टर है मोर अबाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया था, ठीक है ना। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम आ जाएं पीछे नेक्स्ट पे, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। हमें करना है राइट ऑफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन आंसर करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द यूटिलिटी प्रोग्राम, एक्सप्लेन एनी टू यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम को बताना है क्या है और दो एग्जाम्पल उनके प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है। तो पेज नंबर, आंसर नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, आ जाइए पेज नंबर, मैं आपको बता दूँ आंसर नंबर फर्स्ट हमारा, ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 16। ये देखिए पेज नंबर 16, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ये थर्ड लाइन में यूटिलिटी प्रोग्राम के पैराग्राफ की थर्ड लाइन, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम एप्लीकेशन मोस्टली इन टर्म्स ऑफ साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शंस, ठीक है। यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम फ्रॉम लाइसेंस फ्रॉम स्टोर कंप्यूटर स्टोर, सम यूटिलिटी प्रोग्राम आर आल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है ना। हम इंटरनेट की सहायता से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको खरीद सकते हैं, है ना, या परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर दो एग्जाम्पल मैंने बता देता हूँ आपको एक्सप्लेन। देखिए, एंटीवायरस यूटिलिटी और बैकअप यूटिलिटी, ये दो एग्जाम्पल लिखना है इसके अंदर हमें। दे आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर फ्रॉम मैलवेयर इंक्लूडिंग वायरस, कंप्यूटर वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मे आल्सो रिमूव मैलवेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये एंटीवायरस यूटिलिटी है। फिर आ जाता है इसके अंदर बैकअप, हम बैकअप का भी लिखना है हमें। बैकअप मतलब होता है पिछला पड़ा हुआ हमारा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। इट सिंपली मींस क्रिएशन ऑफ कॉपी ऑफ डाटा ऑन सब स्टोरेज मीडिया सच एज CD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। बैकअप के मतलब हमारा पुराना डाटा होता है, हम उसको दोबारा से स्टोर कर सकते हैं, डाटा की रिकवरी करके रख सकते हैं जो हमारा पुराना है, या डैमेज नहीं हो, एक्सीडेंटल नहीं हो, है ना, उसलिए हम इसको बैकअप करके रख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आंसर नंबर सेकंड पे। आंसर नंबर सेकंड दिया हुआ है, व्हाट इज जनरल प्रपोज सॉफ्टवेयर। जनरल प्रपोज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जनरल यूज़ करने वाले, ठीक है। आ जाइए आप पेज नंबर पीछे, ये पेज नंबर 17 पे ये दिया हुआ है आपका जनरल प्रपोज सॉफ्टवेयर। दिस आर द सॉफ्टवेयर विच हैव बीन डिजाइन फॉर यूज बाय पीपल फॉर जनरल प्रपोज सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग, मेकिंग, प्रेजेंटेशन। जनरल प्रपोज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर डिजाइनिंग की जाती है, उसको मेकिंग बनाया जाता है, क्रिएट करा जाता है, फिर प्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जनरल प्रपोज सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क किया जाता है, ठीक है। आंसर नंबर थर्ड पे आ जाए हम, ठीक है। थर्ड आंसर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, नेम इट टाइप्स, सॉफ्टवेयर क्या है उसके टाइप्स बताना है, ठीक है ना। आंसर नंबर थर्ड ये आ जाए हम, आंसर नंबर थर्ड पे आ गए, ठीक है। पेज नंबर 14 यहाँ से लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ में, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू रन और ऑपरेट कंप्यूटर इफेक्टिवली। सॉफ्टवेयर इज द इंटेजिबल पार्ट विच कैन नॉट बी सीन और टचेड, हम उसको टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना। और उसके पार्ट आप ये देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर के पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट में होते हैं। तो दो पार्ट में आपको लिखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम। एप्लीकेशन में लिखना है जनरल प्रपोज स्पेसिफिक, ये नीचे वाला आपको नहीं लिखना, ये वाला, ठीक है, ओके। तो ये वाले हमने तीन क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके आंसर बचे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। इसको करिए, कॉपी के अंदर लिखिए और फिर, ओके, थैंक यू।